नमस्कार, हमें किशोर कलाकार स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट्स, आज जो है हम हमारा बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का, उसका हम ये पार्ट टू करने वाले हैं, राइट। तो आपने पार्ट वन देख ही दिया होगा, तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो दिस इज़ द पेपर जो आज हमारा जो मतलब इस साल कंडक्ट किया गया था बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड येस दिस इज़ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका पैटर्न का वीडियो है, जो सिलेबस का वीडियो है, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। उसको हमने इसका जो पैटर्न है, जो सेक्शंस है, इसको हमने बहुत डिटेल में कवर किया था। वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दिस इज़ द सिलेबस जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का। एंड ये स्टूडेंट, इन दिस सेशन यू आर गोइंग टू गेट the deep analysis of BFA entrance examination, and जो focus रहेगा आपका concept building पर होगा। apart from that आप free access कर सकते हो जितने भी previous year question paper है सर JJ School of Art के। उसके अलावा हम आपको provide करवा रहे हैं free access of one mock paper। apart from that हम online theory classes भी provide करवाते हैं हिंदी English दोनों medium में। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है स्टूडेंट, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है, तो आप वहाँ पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं। जल्दी से हमसे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है, AIR इंडिया का जो फाउंडर है वो कौन है, राइट। तो यहाँ पर मतलब कि जैसे कि आप जानते हो, जो AIR इंडिया का जो फाउंडर है वो बेसिकली JRD टाटा है। द पॉइंट बी कि जितने बड़े आपके ब्रांड आ रहे हैं ना, बीट सिनेमा, बीट एडवर्टीजमेंट, या फिर कोई भी बड़ी कंपनी हो गई जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, या फिर जो फर्स्ट कंपनी है किसी भी चीज़ को लॉन्च करने वाली, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड उनके यूजुअली या तो आप ये बोल लो कि फाउंडर CEO, या फिर कभी कभी ब्रांड एम्बेसडर भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सारा GK GS कवर करने मत बैठ जाना, जो प्रोमिनेंट और मेन एरिया है आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इंडियन आर्ट एंड आर्टिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन बोला गया है जो आपकी दमयंती हमसा संवाद है, अगेन माइथोलॉजी पर बहुत सारे काम किए हैं राजा रवि वर्मा ने, ठीक है, और जितने भी मतलब कि आपकी ग्रंथ हैं, पौराणिक कथाएँ हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करते हुए नज़र आते हैं। राजा रवि वर्मा वॉज द वन जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी इंडिया में, और ये अपने ऑयलियोग्राफ के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। एंड ही वॉज द वन जहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया आर्ट में, इंडियन आर्ट के अंदर जो है मॉडर्न आर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आना शुरू हो गया था, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ही वॉज द वन जिन्होंने आप ये लगा लो कि यूरोपियन टेक्निक की हेल्प से, या फिर यूरोपियन मतलब कि जो आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड थे उसके हेल्प से, हम ये देखते हैं कि जो हमारे भारतीय चित्र हैं, भारतीय कथाएं हैं, भारतीय आप ही कह सकते हो जो महाकाव्य हैं, उनके ऊपर चित्र बनाए थे या पेंटिंग्स बनाई थी, राइट। तो ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं राजा रवि वर्मा, इनके यूजुअली ज़्यादातर ना काम दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, जो इनकी फेमस आर्ट वर्क्स है वो ज़्यादा दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको जब हमने सिलेबस कवर किया था, तो हमने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवाई थी जिसके अंदर हमने जो मेन आर्टिस्ट है वो कवर किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है स्टूडेंट, जो सिनेमा है ना, हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था ये भी मैंने आपको बताया था, आप सिलेबस की वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया जो फादर है इंडियन सिनेमा के वो कौन से हैं। तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो आपके सत्यजीत रे हैं, और ये जो आपके श्याम से नहीं, ये यहाँ पर बेनेगल होगा, ये गलत लिखा हुआ है, बेनेगल होगा स्टूडेंट, ठीक है, श्याम बेनेगल, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। ये दोनों ही आपके आप ही कह सकते हो कि ये डायरेक्टर हैं, ठीक है, फिल्म डायरेक्टर हैं दोनों, इवन तीनों ही हैं। ये राज कपूर तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हो गए, ठीक है, एक्टर हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इनका इसका आंसर तो दादा साहब फाल्के है, लेकिन जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है वो ये है कि हमारे से यूजुअली ये दोनों जो हमारी मूवीज़ हैं, ठीक है, इंडियन सिनेमा से, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आते हैं ऑस्कर अवार्ड जिसको मिलता है, या फिर किसी मूवी को अगर कोई बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिलता है किसी भी चीज़ को लेकर, वहाँ से जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
एक आप लगा लो स्पोर्ट्स में यूजुअली क्रिकेट से, फुटबॉल से, या फिर मतलब कि कोई भी एक ऐसा स्पोर्ट जिसने मतलब कि बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट अर्न की है, ठीक है, या फिर गेन की है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या फिर इंडियन सिनेमा में कुछ इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो या तो किसी लेगेसी को शो करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, या फिर कुछ करंट सिनेरियो में कुछ बड़ा अचीव किया हो, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर है ना यूजुअली जो एक क्वेश्चन बहुत खूबसूरत सा एग्जामिनर का हर साल बन जाता है यूजुअली, वो है आपका राजा हरिश्चंद्र। ये जैसे कि आप सभी जानते हो कि फर्स्ट इंडियन साइलेंट मूवी थी या फिल्म थी, ठीक है, मूक बोल सकते हो आप इसको, मूक पिक्चर थी ये। ये आपकी 1913 में इस्टेब्लिश रिलीज की गई थी, ठीक है, और इसके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे वो थे आपके दादा साहब फाल्के। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो आपकी आलम आरा है वो आपकी फर्स्ट टॉकी फिल्म थी, यानी कि पहली मूवी जिसमें मतलब कि आप यू कैन हियर द वॉइस, बोलती हुई मूवी, बोलता हुआ चलचित्र, जो आपका 1931 में जो है रिलीज़ की गई थी, और इसके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे वो थे आपके अर्देश ईरानी, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली ज़्यादातर एग्जामिनर जो है क्वेश्चन वो पुट करता है आपका बेसिकली इस वाले सेक्शन में, ठीक है, आलम आरा पूछेगा और राजा हरिश्चंद्र ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं, तो ये भी आपको ये छोटी छोटी बातें जो है पता होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि सिंस आप अपीयर हो रहे हो सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के लिए, तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के जो एलुमनी है वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो दादा साहब फाल्के थे आपके, ये आपके एलुमनी थे ये आपके सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मतलब कि यहीं से इनके करियर की शुरुआत होती है, पेंटिंग वगैरह सीखते हैं, फोटोग्राफी वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है, और किस तरह से फिर इनकी जर्नी है वो आगे जाती है। ये आपके फिल्म डायरेक्टर थे, और फिर आपकी जो बीवी दोषी है ये थे आपके आर्किटेक्ट। बाकी सारे जितने भी आप देख रहे हो ना, SH रजा है, SN सूजा है, MF हुसैन है, तैयब मेहता, गायतोंडे, जतिन दास, जितिस तलाट, के हैब्बर, लक्ष्मण पाए, अतुल डोडिया, ये सारे स्टूडेंट्स आपके पेंटर्स हैं, ठीक है, ये सारे आपके पेंटर्स हैं, तो ये आप ध्यान रखना। उसके अलावा हम देखेंगे कि अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको वही बोला था कि कोई जैसे कि कोई बड़ी कंपनी हो गई, उसका कोई लोगो हो गया, ठीक है, या फिर मतलब कि उसका कोई फाउंडर हो गया, ये चीज़ें कुछ ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। फाउंडर से क्वेश्चन आता है, लोगो से क्वेश्चन आता है यूजुअली, और या फिर ये लगा लो कि लोगो के अंदर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं उससे कुछ रिलेटेड आता है, और क्रिएटर मतलब कहने का मतलब ये है लोगो का। तो यहाँ पे जो आपकी कैमलिन कंपनी है वो मतलब कि आपको पता ही है ये इंक और पेन वगैरह की कंपनी, स्टार्टिंग में मतलब कि प्रोडक्शन इनका पेन का इंक का रहता है, फिर लेटर ऑन हम देखते हैं कि अब स्टेशनरी के बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, और बहुत बड़ा मतलब ये लगा लो कि इनका सेलिंग जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े मास लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपके स्टार्ट किसने किया था, तो फिर यहाँ पे आ जाता है आपके डांडेकर फैमिली वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत लिटिल बिट इसके बारे में पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं स्टूडेंट हमसे फिर ये, दिस इज़ द कैमलिन कंपनी का लोगो है, इसमें कैमल होता है, ठीक है, ये याद रखना, कैमल होता है, ये रे पेन वेन और जो भी इनके प्रोडक्ट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट हमसे अब क्वेश्चन पूछा गया है पैठानी साड़ी का, तो यहाँ पर आप देख लो, आपको है ना मुंबई की टेक्सटाइल, महाराष्ट्र का है ये, तो फिर यहाँ पर आपको है ना टेक्सटाइल का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एक टेक्सटाइल कर जाओ, एक आपके एलुमनाई कर जाओ, सर जे डी स्कूल ऑफ आर्ट की भी फुल फॉर्म कर जाओ, उसके अलावा जो आपके फेमस मॉन्यूमेंट हैं मुंबई के वो कर जाओ, फेमस फेस्टिवल हैं वो कर जाओ, ठीक है। और रिसेंटली अगर कुछ अचीवमेंट हुई है जो आपके CM वगैरह हैं पॉलिटिकल लेवल पे, आप वो कर जाओ। और मुंबई में अगर कोई मतलब कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बड़ी कुछ चीज़ हुई है वो कर जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपके एक तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी आते हैं आपके मुंबई में, ठीक है, और उसके अलावा जितना भी मतलब कि ये आपका आर्ट एंड कल्चर रहेगा और जो हेरिटेज रहेगा उससे भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो ये महाराष्ट्र का है। अब आप उसके लिए पढ़ रहे हो तो फिर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि एक बुक है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है। अब ये बहुत ही ना रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, ठीक है, अमर्त्य सेन, इन्होंने ये बुक लिखी है,
ठीक है, तो अगर किसी को कोई अवार्ड वगैरह मिलता है, कुछ रिकॉग्निशन मिलता है उसके काम के लिए, ठीक है, और वो भी बड़े लेवल पे, तो वो मतलब कि एक हाइलाइटेड एरिया रहता है एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का। देखो स्टूडेंट फिर से वही आ गया, मैं वही इसलिए मैं बोल रही थी कि जेडी स्कूल की एलुमनाई कर लो, इन्होंने फर्स्ट जो है आपका ऑस्कर कॉस्ट्यूम में, ऑस्कर जीता है आपका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में, ठीक है। ये भी मतलब कि जो भानु अथैया है, ये भी मतलब कि आपकी ये फीमेल है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये फीमेल है, और इन्होंने जो है इंडिया का फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड जीता है, और ये आपकी एलुमनाई है जे डी स्कूल ऑफ आर्ट की, ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। तो फिर ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत जो है पता होनी चाहिए। सी ये रहा आपका, अब ये नहीं रही है अभी, अभी मतलब कि ही इज़ नो मोर, ठीक है। तो अभी इनको सबसे पहला जो है अकादमी अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड, और इन्होंने है ना एक दिलचस्प बात ये कि अपना ऑस्कर अवार्ड जो है वो वापस भी कर दिया था, वो मतलब कि म्यूज़ियम में रखवा दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि इसको मतलब कि हम सही से संभाल नहीं पा रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी और मैं भी, तो वहाँ पर ये ज़्यादा सेफ रहेगा। तो यहाँ पर देखो मतलब कि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात है जो भानु अथैया जी मेंशन करती है कि मतलब कि मेरे को जो गांधी जी की 50 साल की जर्नी थी ना, और उनके मतलब कि जो क्लोथ्स थे, ठीक है, क्योंकि इनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना था, ये वाली जो मूवी है ना ये गांधी मूवी है, ठीक है, तो गांधी मूवी के लिए इनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना था और वो भी 30 दिन में। तो ये कहती है कि उनकी 50 साल की जर्नी और मैंने 30 दिन में जो है नॉट 30 दिन में 3 महीने में, ठीक है, 3 महीने में मैंने जो है इनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड एक पर्सनालिटी थी अगेन आपकी सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ना इन्होंने और भी मूवीज़ में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है और ये बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी थी, ठीक है। तो ये सब एक लगान मूवी भी है तो उसके में भी कॉस्ट्यूम मतलब कि इनके द्वारा ही डिज़ाइन किए गए थे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये देखो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया कि कैलिब्री क्या है, तो ऑब्वियसली बात है फॉन्ट है। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और कई बार आपसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है उठते हैं। अभी थोड़ी सी कुछ बेसिक सी चीज़ है, डेसिमल के बारे में बोला है, जो हमारा ज़ीरो होता है, ठीक है, तो फिर वो इसने किसने जो है इंट्रोड्यूस किया था, तो वो आर्यभट्ट ने किया था। ये तो हम मतलब कि प्राइमरी में ही पढ़ लेते हैं अपने स्कूल के, तो कुछ कुछ ईजी क्वेश्चन भी आते हैं नो डाउट। अब ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो भाई नोट डाउन कर लीजिए आप कहीं भी, या फिर आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मतलब कि ना साइज़ पूछा है A4 पेपर का, राइट। तो ये जो डायमेंशंस होती है ना पेपर की, ये आपको स्टूडेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि इस बार A4 पूछ लिया, फिर कभी A2 पूछ लेगा, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि A2 में कितने A4 साइज़ पेपर फिट हो जाएंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लो इस तरह का कुछ डायमेंशन रहता है, साइज़ रहता है, तो ज़्यादा तो नहीं बट हाँ कुछ कुछ की आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमने मेंशन किया है एग्ज़ाम में ज़्यादातर मतलब कि A2 से A3 से A4 से, ठीक है, और A1 से, ये ज़्यादा एग्जामिनर की फेवरेट बने रहते हैं, ठीक है। यूजुअली कभी कभी इंचेस में भी पूछते हैं, ठीक है, तो इनकी मतलब की जो विड्थ है और जो हाइट है ये आपको स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, देखो यहाँ पर ना वैसे अब एक्चुअल में मतलब थोड़ी सी डायमेंशन जो है ऊपर नीचे हो रखी है, बट ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आइडिया भी लेके जाओगे ना, अगर एक्यूरेट भी आपको नहीं ध्यान रखना है, नहीं हो पा रहा, याद नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेकर भी चलोगे ना कि हाँ इतने इंचेस है और ये है, तो भी आपका एग्जाम में, क्योंकि देखो हमको तो राइट मार्क करना है, ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड भी अपनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जाम में, ठीक है, हमको पेपर क्रैक करना है और मार्क्स गेन करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम किशोर कलाकार जो है आपके लिए थ्योरी क्लासेस भी जो है आपकी अवेलेबल करवाते हैं, हम बैचेस लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के, और यहाँ पे हम लाइव बैचेस और डाउट सेशन लेते हैं, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, रिकॉर्डेड क्लासेस, और हमारी क्लासेस में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारी क्लासेस स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं 2 ईजी स्टेप्स में, जिसमें स्टेप नंबर 1 आपका होगा कि आपको इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, राइट।
आप जाइए उस गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें और मतलब अपनी डिटेल्स उसके अंदर डालें, जिसमें आपका बेसिक नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और आपका मीडियम क्लास का ज्वाइन करने का, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लासेस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप अपना जो है गूगल फॉर्म का लिंक फिल करोगे, उसको आप सबमिट करोगे, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो हमारी कोर्स की डिटेल्स है वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी और आपकी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर सेंड कर दी जाएंगी। आफ्टर दैट जो है आपको फिर आप जो है जो भी आपका प्रोसेस है वो आप चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। बस दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग। एंड यस, आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के, वो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप ज्वाइन करें और वहाँ से आप फ्री एक्सेस ले सकते हैं। और यस, एक मॉक पेपर जो है किशोर कलाकार ने आपके लिए डिज़ाइन किया है स्टूडेंट, आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड यस, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। तो चलिए, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।